हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सॉरी लॉग्स के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। इससे पहले वाला व्लॉग आपने दोस्तों देख लिया होगा, जिसमें गपूड़ी ने बहुत धमाल किया था। अभी सुबह की बज रही है 3:30 और 5:05 बजे की मेरी ट्रेन है। सुबह सुबह मेरे को कहीं भी जाने का मन नहीं करता। हालांकि अभी यूट्यूब इवेंट पे जाना है, 9 बजे तक जयपुर पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ से आधा घंटा लगेगा जगह पर पहुँचेंगे। 11 बजे से 2 बजे तक इवेंट है। मुझे भी नहीं पता दोस्तों वहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह अनजान हूँ। तो आप बिल्कुल वो एक्सपीरियंस लेने वाले हो जो मैं और आप और जो भी आज तक ये कर रहा है पागल क्या भूत की तरह खड़ा है। ये घूम रहा है यहाँ पर भूत की तरह, दिख ही नहीं रहे तो देखो वो एम्पायर की तरह अंधेरे में खड़ा है भूत की तरह। देखो बस अब क्या दोस्तों, उठा है तो मंजन करेंगे, नहाएंगे। ये देखो कुलदीप जो है, इसने सुबह की बाल्टी चला दी है पानी के लिए, ताकि मैं नहा लूं। गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिक्सचर होने वाला है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी है। अब क्या करें, लेकिन यार उतना तो पड़ेगा वरना ट्रेन छूट जाएगी मेरी। तो दोस्तों मंजन कर लेता हूँ और नहा लेता हूँ। टन हो चुके हैं दोस्तों, नहा के मंजन करके तैयार, और बस टाइम हो चुका है। अब गाड़ी उतारा है कुलदीप। मैंने तो कुलदीप से मना किया था कि कुलदीप गाड़ी मत उतार, क्या मतलब पड़ रहा है, रैपिडो कर लूंगा, आसपास चल भी रही है, उधर से तो अकेला आएगा रात को। बोलता नहीं नहीं चलता हूँ करके रेडी हो गया। आईडी रख ली है, जो वो टिकट है यूट्यूब वालों का वो रख लिया है, ताकि एंट्रेंस पे दिखाने के लिए। ये देखो प्यारी लड्डू कुमारी, लड्डू कुमारी मैं जयपुर जा रहा हूँ तेरे इवेंट में, सब पता करके लाऊंगा वहां से क्या नहीं मिलता है, ऐसी नॉलेज है सब तेरे को दूंगा। ठीक है, तू आराम से छोड़, परेशान मत होना ना। हाँ यार, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता अगर कि सुबह जाना पड़ता तो। मैं तो सोने जा रही हूँ। दे लो अमड़ी को, सो जा तू, है ना, सो जा बेटू, ओढ़ के सो, तू ठंड लग जाएगी। आए गबुली आई रही थी लोमड़ी, यहाँ तक आ गई 200 गेट तक। क्या बंदर है लोमड़ी, मैं भी चलूंगी यूट्यूब इवेंट में। देखो लोमड़ी को दोस्तों, आप पीछे देख सकते हो इसको मना करने के बाद भी कि रैपिडो से चलते हैं भाई, मैं चल जाऊंगा फिर उधर किधर चल जाएगा, तो कहीं को परेशान हो रहा है। लेकिन नहीं, टोपा पहन के सुबह सुबह 4 बजे रेडी हो चुका है ये। देव आ रहा हूँ दोस्तों, ठंड में जाते हुए यूट्यूब इवेंट के लिए, और अभी सन्नाटा हो रखा है पूरी रोड पे, और ये कुलदीप बोल रहा है कि रैपिडो वाला समझ के मुझे 100 रुपए दे देना। ये कुलदीप को आओ, तुम नाम है कोई, बदनाम है किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई। पुलिया क्रॉस होती हुई कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नीचे की पुलिया से जाते हुए हम यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री, ये देखिए आकाश का पोस्टर लगा हुआ है। आ चुका है दोस्तों कोटा रेलवे जंक्शन, हमारा प्यारा कोटा शहर का रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पर अभी तो बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम देखिए चल रहा है, बोर्ड लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर काम चलते हुए। नया स्टेशन करा जा रहा है कोटा को, कोटा बहुत चमका दिया दोस्तों, एक टाइम पे कोटा जबरदस्त होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटा रेलवे जंक्शन स्टेशन पे। पहले उधर से स्टार्ट होता था ये रेलवे स्टेशन, लेकिन अब इधर से हो रखा है क्योंकि पूरा नया बनने जा रहा है। बाकी मम्मी कह रही थी कि टोपा पहन ले, मम्मी ने दिया भी था लेकिन मैंने बात नहीं मानी, लेकिन लग रहा था कि पहन लेना चाहिए। लेकिन फिर बाद में यार दोस्तों टोपे का वो ज्यादा झंझट, क्योंकि अपने साथ बैग निलाया, बिल्कुल फ्री आया हूँ ताकि कोई प्रकार का झंझट नहीं रहे, इसलिए मैं निलाया दोस्तों टोपा। आपका प्यारा कुलदीप देखिए पीछे पार्किंग लगाते हुए दोस्तों, वो भी जाएगा मेरे साथ रेलवे स्टेशन के अंदर। मैंने बोला कि क्या मतलब पड़ रहा है, फिर भी इच्छा है, चल भाई। ये लगा रहा पार्किंग लगा रहा कुलदीप, मजा आ रहा है इसको पार्किंग लगाने में। देखो पार्किंग लगा के प्लेटफॉर्म टिकट लेके अंदर तक जाएगा ट्रेन तक, बहुत नौटंकी करता है ये बच्चा देख, बट बहुत बढ़िया लड़का है दोस्तों। हाँ तो गया आपका प्यारा प्लेटफॉर्म टिकट लेते हुए। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कोटा रेलवे स्टेशन के अंदर, और अभी जो है टाइम हमारा ट्रेन का दिखाई नहीं रहा, क्योंकि अभी 20-25 मिनट का गैप है, तो उसके बाद दिखाएगा। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है उस पे पहले दूसरी गाड़ी आएगी, उसके बाद हमारी वाली आएगी। ये देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा माहौल है, और दिनों के मुकाबले भीड़ है वैसे आज रेलवे स्टेशन पे, वरना बिल्कुल सन्नाटा रहता था। इधर देख सकते हो क्योंकि इधर काफी भीड़ है, मैं जिधर खड़ा हूँ इधर कम है। मालगाड़ी आ रही है। दोस्तों ट्रेन का अंदर का तो क्या बता पाऊंगा, क्योंकि सब सो रहे होंगे और मैं भी जाके सो जाऊंगा। मेरी अपर सीट है और B7 कोच है। गाड़ी का जो नाम है वो है अनुव्रत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हम कोटा के। आजकल आपको पता ही दोस्तों ऐप से ऐसे आ गए हैं कि एक एक लोकेशन पता चल जाती है कि गाड़ी अब तक कहाँ बैठी, तो कुलदीप घर से निकलने तक यही करता है, कहाँ तक पहुँची। और अभी देखिए हमारे पास ये कोटा के टकन्या तालाब आएगा, अभी टाइम है मतलब। बाकी कभी कभी पंगे भी जाते हैं, एक बार इसी ऐप को देखते देखते ही है मेरे को बोलता है अपनी ट्रेन छूट गई यार, कोटा से आगे निकल गई और जाने क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से आ रही है, छूट जाएगी ट्रेन, ऐसे कर रहा था रास्ते में। आप इंतहा हो गई इंतजार की,
हाँ ये ना कुछ खबर मेरी ट्रेन की। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए दोस्तों ऐसे ही चुपचाप गाना गाना पड़ता है क्योंकि आसपास वाले ऐसे देखने जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है यार, शर्म आती है। जो आपको पीछे गाड़ी दिख रही है ये मेरी गाड़ी नहीं है दोस्तों, उसके बाद आएगी हमारी गाड़ी। मेरे को पानी की प्यास लग रही है और अभी पानी की बोतल ले लेता हूँ दोस्तों एक, अगर अंदर जाने का क्या पता बाहर आने का हो नहीं, क्योंकि ऊपर ही मेरी सीट है तो आराम से लेट जाऊंगा, तो पानी तो होना चाहिए ना। पानी पीने चलते हैं, लेके आते हैं पानी की बोतल। ले लिए दोस्तों पानी की बोतल, पानी बोतल ले ली, पानी की बोतल ले लिए, पढ़े लिखे गंवार हां 15 ले लिया है दोस्तों पानी, और 5 रुपए चक्कर पड़ा इसलिए 10 रुपए वाला मुनेक को ले लिया। तो दोस्तों अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है और आसपास भीड़ भी आ चुकी है, इसलिए आपको मेरी बोली में वो कड़कपन दिख रहा होगा, डरता हूँ मैं। 22631 ये है दोस्तों हमारी गाड़ी का नंबर। दोस्तों हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम उधर से चल के इधर आ गए क्योंकि हमारा B7 कोच था और हम B4 पे खड़े थे। अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है जो कि इधर से आ रही है। आ गई मेरी ट्रेन, आ गई। तो दोस्तों अंदर तो आपको पता है पब्लिक सो रही होगी तो ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, बाकी हमारा कोच आ गया है, अंदर चलते हैं। आई रे आई, विदाई की बेला आई। दोस्तों बस ट्रेन जाने ही वाली है मेरी, और ये मैं गेट पे आके बोल रहा हूँ आए कुलदीप, बाय बाय कुलदीप। तो चल जाएगा दोस्तों, चलते अंदर। तो फाइनली ले लिए दोस्तों मैंने मेरी सीट, पानी की बोतल और मैंने को बिस्कुट भी इधर किया है, अपनी व्यवस्था बिठा ली है। भूत दिया ट्रेन, भूत फियर फाइल्स बना लेता हूँ दोस्तों। भूत या ट्रेन मैं रात में चुड़ैल आ गई, सौरभ को पकड़ के ले गई। एक बात और, मेरे हाथ के बिल्कुल पास में ये देखिए रेड रेड खींचने का, गलती से नींद में खींच गया ना तो बात लग जाएगी। दोस्तों ऊपर सोने का फायदा भी है तो नुकसान भी है, बता देता हूँ। एक लाइट का नुकसान है, जब लाइट जलती है थोड़ी सी उस टाइम पर कोई दिक्कत होती है, कोई काम कर रहा हो लाइट वाइट बंद नहीं कर रहा तो फिर बोलना पड़ता है लाइट बंद करने के लिए। और मैं कह रहा था सवाई माधोपुर आया था बीच में, तो सवाई माधोपुर की जो पकौड़ी और अमरूद है बहुत फेमस है। स्टॉप तो 15-20 मिनट का था लेकिन ऊपर था ना, तो मैं सोचा नीचे कौन उतर के जाए, सीधी बात है आलस आ गया मुझे इसलिए मैं नहीं गया। अभी जो है दोस्तों 1 घंटे में आ रहा है दुर्गापुरा, मतलब जयपुर से पहले एक स्टॉप आता है दुर्गापुरा, उसके बाद जयपुर आता है, तो मैं तो जयपुर ही उतरूंगा क्योंकि वहाँ से जहाँ मुझे जाना ना डिब्लो रेस्टोरेंट करके पास पड़ता है। तो आप देख लो मेरे को कि मैं कैसा लेटा हुआ हूँ, देखो फिक्स हो रहा हूँ एकदम, एसी में लेटा हूँ थोड़ी सी में। तो क्या नाचो मैं? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आ चुका है। 15 minutes later. तो फाइनली दोस्तों उतर चुका हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पर। तो जाते हुए दोस्तों बाहर 9 बजे तार दिया दोस्तों ट्रेन ने, तो अभी तो ऐसा करेंगे दोस्तों यहाँ पास में ही है ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, जैसे ही उतरते हैं स्टेशन के सामने पराठा वराठा खा लेता हूँ क्योंकि वो भयंकर भूख लग रही है, घर से कुछ खा के नहीं आया था। जयपुर रेलवे स्टेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। कहीं भी चल जाओ दोस्तों, कोटा से लेके जयपुर तक काम चल रहा है, देख लो स्टेशन पे, यहाँ भी स्टेशन पे चल रहा है, सतर्क रहे सुरक्षित रहे, रेनोवेट कर रहे हैं इधर की जगह कुछ। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों जयपुर का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, और शायद कोई ऑफिसर भी आया हुआ है या कोई नेता आया हुआ है दोस्तों लग रहा है, क्योंकि गाड़ियां खड़ी है काफी सारी। सफाई कर्मचारी यार्ड ऑफिस से पहुंचे, जयपुर के एंट्री गेट के ठीक सामने दोस्तों सर्किल है, और इसी सर्किल के सामने जो है वो बहुत सारे भोजनालय आप देख सकते हो, इनमें से एक में जाके अभी हम खाना खाएंगे। तो हम जाएंगे दोस्तों अक्षरधाम पवित्र भोजनालय। तो बैठ चुके दोस्तों हम ढाबे में आके, तो मजा लिया जा रहा है आलू के पराठे विद दही नाश्ता। कुछ भी कहो भाई मजा आ गया आलू के पराठे खा के, तो बस वॉशरूम जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर है हमारा इवेंट, और मुझे आगे से थोड़ा सा दिख भी रहा है इस तरफ जो है डिब्लो का साइन, तो चलते हैं वहाँ पर और एंट्री लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम अंदर पहुंचे हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा किया, मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ बॉडीगार्ड दिखाई दिए, इन्होंने हमारा हाथ पे जो बैंड था जो हमको दिया गया था इनके द्वारा वो चेक किया, फिर मैं देखने लगा हॉल को टेबल नंबर 9। तभी एक भैया ने मुझे कहा कि आपका जो नंबर है टेबल नंबर 9 है, तो मैं अपने टेबल नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ा। मैंने सोचा यहाँ बैठ के क्या करूंगा, तो आपको जब तक हॉल दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा हॉल है और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ की। बाकी के क्रिएटर्स जो है ये इस बोर्ड के पास फोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी खिंचवा लेता हूं फोटो। पीछे की तरफ आके देखा दोस्तों तो पीछे भी कुछ चेयर्स लगी हुई थी, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब खुला खुला था, यहाँ से जयपुर का व्यू बड़ा सुंदर सा दिख रहा था।
बाथरूम में आके देखा तो बाथरूम भी बड़ा क्लीन एकदम साफ सुथरा था, तो मैंने यहाँ अपना फोटो खींचा। नाश्ते में कॉफी कचोरी और बिस्कुट थे दोस्तों। अंकल दिखाएंगे अंकल की वीडियो देखो। कोई मिलियन मिलियन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, टूटा फूटा चैनल दिखाता हूं। एक भाई ने पूछा अंकल आप क्या बनाते हैं, जो मन में आ जाए वो बना देते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स लुक अराउंड कि कौन कौन यहाँ पे आया। चलिए मुझे पता आपके फोन्स ऑलरेडी ऑन है, कैमरास ऑन है, कीप इट ऑन, बट स्टिल लुक अराउंड। वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स, यहाँ पे सितारे आए हैं। आर यू एक्साइटेड? सबसे ज्यादा बढ़िया फील कर रहे हैं वो दोनों हाथ अपने ऊपर उठाएंगे। Dedicated to empowering us with invaluable knowledge. So let's welcome them with a big round of applause. Andy, Mandeep, and Risha. Thank you. Hello. Khamba Gadi. कैसे हैं सब लोग? Thank you so much. Hello. हमारे शहर में हमारा स्वागत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नम्रता जी। हम सब जयपुर के क्रिएटर हैं और हम यहीं के हैं, तो ये तो थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी कि अपने ही शहर का अपना ही स्वागत किया जाए। के टेबल्स पे एक कार्ड, सबको कार्ड नजर आ रहा है? सुपर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डाइवर्सिटी बिंगो के कार्ड पे 6 boxes, उस पे क्रॉस लगा दीजिए जल्दी से। अब इस के ज्यादा व्यूज आए पर वो मुझे बताएंगे। हाई टेन देंगे और बोलेंगे यू आर ऑसम। अंकल के लेना अंकल। जयपुर के जितने भी रूफ टॉप बार्स हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। मैं ड्रिंक नहीं करता लेकिन बार्स में लाइट्स और व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे फोटोग्राफी का ज्यादा शौक है, जयपुर का कोई बार नहीं छोड़ा, मुझे सब उसको उस ढंग से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चखना ही है, उसके अंदर फोटोग्राफी है, उसके अंदर एडिटिंग है। वो एडिटिंग जो प्रोफेशनल्स जिसमें हॉलीवुड मूवीज एडिट होती है, डाउ इंजन को, वो एडिटिंग। इट्स एक्टिविटी टाइम। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। आइए देखते जाएगा, न तुम आती हो न मौत आती है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, न मैं छोड़ूंगा, भेज दे चाहे जेल में। कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा, गाने के बिना नाच ली वो। फिर मेरे टेबल का जो साथी था उसने 2-3 क्रिएटर से बात की, जिसमें से एक क्रिएटर थे ईशान, जिनके 24 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा नाम हिमांशी मंशानी है और मेरे चैनल का नाम हिमांशीज वर्ल्ड है और 1,500 के करीब रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे, सब तरह की फूड रेसिपीज बनाती हूँ। जैसे ही खाना खाने की लाइन में लगे दोस्तों, तो दाल बाटी रखी थी, उसी के बिल्कुल पास में ही चिकन रखा था, माने मांसाहार नॉनवेज, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ही हो गया अपसेट, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं इस चक्कर में, बाकी बस मीठे में गुलाब जामुन था वो खा के मैं आ गया। सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, परिंदों को उड़ना सिखाया नहीं जाता, मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो, जो रास्ते बनाते हैं ना उन्हें रास्ता दिखाया नहीं जाता। इवेंट खत्म हो गया है, सौरभ भैया से मिले, एक बढ़िया दोस्त मिल गया यहाँ पर। अब दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर यह चोट हुई कि मेरे को ट्रेन का टिकट बुक करना था और मेरी बैटरी से 5% बची थी, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गया और हमारी शिफ्ट के तुरंत बाद जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें जो होस्ट थे वो सुयश यासी थे, जैसे हमारे टाइम पर लेबर लॉ एडवाइजर थे। लेकिन जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें मैंने 11 बजे वाला टाइम सिलेक्ट किया था, 2 बजे वाला नहीं किया था, तो फिर मैं रास्ते में निकला ना, जब मुझे मस्तंग जीटी दिखी तब मुझे यूं लगा कि अरे मस्तंग जीटी किसकी होगी, बाद में दिमाग लगाया और सुयश यासी आएंगे। बाकी जो हमारे साथ के क्रिएटर्स थे वो गेट पे खड़े थे, मैं तो ट्रेन के जैसे जल्दी निकल लिया था वहां से, इसलिए वो तो गेट पे मिल लिए, उनसे फोटो वोटो खिंचा लिए। बाकी ये इवेंट जो है ये 2-3 दिन चला था जयपुर में, अलग अलग टाइम थे, इसमें अलग अलग होस्ट थे, मुंबई दिल्ली ऐसे दूर दूर जाने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने जयपुर स्लॉट बुक किया था। चलो कोई ना, चलते अपन तो कपूरी के पास। लोमड़ी का यूट्यूब का फैन बेस, लोमड़ी को कितनी खुश हो रही है, ये देखिए दोस्तों यूट्यूब की तरफ से फैन भी आया है। अरे मेरे को दिक्कत क्या है, टोपी की टोपी
डायरी और एक ये आया है सर्टिफिकेट, बाकी टोपी गबुड़ी को पहना देते हैं। गबुड़ी की यूट्यूब की टोपी, यूट्यूबर बनेगी टोपी पहन के। अच्छा मत कर लो अमड़ी, फाड़ी मत कर। यूट्यूब की टोपी, मैं तो फाड़ूंगी।